हमास और इजराइल की जंग को लेकर सऊदी अरब में खलबली। यूएई ने भी किया बड़ा ऐलान। मुस्लिम देश यूएई ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ देने की घोषणा की है। वही इस्लामिक और अरब देशों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले सऊदी अरब भी फिलिस्तीन के मुद्दे पर लगातार बैठकें कर रहा है। हमास ने इसराइल के शहर पर रॉकेट दागने के बाद फिलिस्तीनी और इसराइल के बीच खौफनाक जंग जारी है। कई मासूम लोगों की इसमें जान गई। इसराइल में कई इमारतें चकनाचूर हो गई। हमास के आतंकियों ने महिलाओं को भी इसमें नहीं छोड़ा। उन्होंने इसराइल की महिलाओं को निर्वस्त्र किया, उन्हें जान से मार डाला। यही नहीं तो कुछ इसराइल के लोगों को उन्होंने किडनैप तक किया। हिंसा का ये रूप शायद ही दुनिया ने पहले कभी देखा होगा, जो अब देखने को मिल रहा है। लगातार इसराइल की वीडियो सामने आ रही है, जो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसराइल की मदद के लिए अब हर कोई आगे आ रहा है। यहाँ तक अमेरिका ने इसराइल की मदद करते हुए अपना गोला बारूद से लैंस प्लेन भेजा है। तमाम पश्चिमी देशों ने इसराइल का समर्थन किया। इसी बीच अब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान ने फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए $2 करोड़ की मदद की घोषणा की है। इस पैसों की मदद से फिलिस्तीन के जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं दी जाएंगी। इसराइल के पीएम नेतन्याहू और पीएम मोदी के बीच कल बातचीत हुई। उन्होंने पीएम मोदी को इसराइल में जो हालात है उसके बारे में बताया। भारत के साथ इसराइल के समर्थन में कई देश आगे आए हैं।